जाना और औरत को खूब सजाना, हम अंगूर को खाते जाना, आहा आहा से हंसते जाना, हा हा हा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन? या आई एम ऑल्सो फाइन। ओके, लुक हियर, यहाँ जो लेटर्स लिखे हुए हैं अ से आहा तक के, ये क्या कहलाते हैं? स्वर। क्या कहलाते हैं? स्वर। ये आपने पढ़े हैं ना, नर्सरी में पढ़े हैं, फिर मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको पढ़ाए हैं। ये सारे लेटर्स आप लोग जानते हैं ना। आज हम इन सभी लेटर्स का रिविजन करेंगे। ओके, शैल वी स्टार्ट? यस, वेरी गुड। नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड से इट आउट। अ आ इ ई ओ ऊ री ए ऐ ओ औ अं आहा। वंस अगेन, यस, अ आ इ ई ओ ऊ री ऋषिका ए ऐ ओ औ अं आहा। आप जानते हो ये सभी लेटर्स, सबको पढ़ने आते हैं, सबको लिखना भी आता है। तो आज हम इन सभी लेटर्स से रिलेटेड, स्वरों से रिलेटेड एक्टिविटीज करेंगे। ओके, आर यू रेडी? यस, कम विद मी। थ्री, देखिए यहाँ पे ये स्वर लिखे हुए आपको दिख रहे हैं ना, अ आ ई ई ऊ ऊ ए ऐ ओ औ अम अहा ऐ त्रि ऋषिका। यहाँ पे हमें देखना है कि जिन लेटर से, जैसे अ से अनार होता है, ये आप खाते हो ना अनार, वैसे ही आपको यहाँ पे सर्च करने हैं उन लेटर्स को, और आपको ये जो ईयरबड्स होते हैं ना, इससे आपको कलर करना है। देखिए, तो अ से अनार हम खाते हैं ना, तो खाने वाली चीज़ों को आपको सर्च करके कलर करना है। देखिए इस तरह से, लुक हियर, इस तरह से आप लोग ईयरबड्स से कलर करेंगे। क्या करेंगे? कलर, वेरी गुड। ये हम काय पे कर रहे हैं? अ से अनार। अ अनार का कच्चा दाना, आ आम को खाते जाना, ई इमली से बनी खटाई, ई ईख से बनी मिठाई, है ना? ऐसी होता है ना खाने वाली चीज़ें। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। ये देखिए हमारा अनार कंप्लीट हुआ। अब देखिए, ये अनार लाल रंग का होता है तो मैंने रेड कलर लिया है। अब इधर देखिए, अब मैं इमली पे कर रही हूँ। काय पे कर रही हूँ? इमली भी खाते हैं ना आप लोग, खट्टी खट्टी टेस्टी लगती है। देखिए ये हमने इमली पे किया। ओके, यस, वेरी गुड। ये देखिए, अब ऐसे लिखते भी है ना, उसी डायरेक्शन में आपको कलर करना है। ये देखिए, ठीक है, ये एक्टिविटी हमने की। अब इसमें आप लोग घर पे, ये जो एक्टिविटी मैंने शीट में की है, ये एक्टिविटी आपको अपनी कॉपी में करना है। कॉपी में मम्मा से बोलिएगा, इस तरह से स्वर लिखेंगी, फिर आप लोग सर्च करके उन पर इस तरह से कलर करेंगे। अभी इसमें और भी बाकी हैं, जैसे आ से आम होता है, आम खाते हैं हम, ई से ईख खाते हैं हम, अम से अंगूर खाते हैं हम, है ना? तो जो खाने वाली चीज़ें हैं वो सर्च करके आपको वहाँ पर कलर करना है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम स्वर लिखेंगे, ठीक है? आप लोगों को स्वरों को सीक्वेंस में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले क्या आता है? अ से अनार, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अ से अनार। देन आ से आम, आ से आम। ई से इमली, ई से ईख, यस। उसे उल्लू, उसे ऊन, वेरी गुड। ऊन के बाद क्या आता है? री ऋषिका। फिर क्या आता है? ए एड़िका, है ना? देन आई ऐनका, लिख रहे हैं ना आप लोग भी? यस। ऐनक के बाद ओ ओखलिका, औ औरत का। देखिए, अम अंगूर का, एंड अहा अहा का। ये हमारी एक्टिविटी यहाँ पर पूरी होती है। यहाँ पर आप लोगों को एक बार मैं फिर से कह रही हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें कॉपी पर लिखनी है। मम्मा से कहिएगा कॉपी पर लिखेंगे। फिर आप लोग ईयरबड्स अगर ना हो तो अपनी फिंगर से भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप लोग फिंगर से भी
कर सकते हैं. ओके यस बाय बाय स्टूडेंट्स बाय.